वेलकम। आज जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इन इकोनोमेट्रिक्स। ये जो चीज मैंने बारो की है या जहां से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं वो एक ब्रीफ आर्टिकल है, टीचिंग अंडर ग्रेजुएट इकोनोमेट्रिक्स अ सजेशन फॉर फंडामेंटल चेंज बाय पीटर कैनेडी। इसमें चंद जो फ्यू पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो ये है कि इन जनरल स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स कोर्स पढ़ने के बाद जब इकोनोमेट्रिक्स कोर्स में आता है तो उसकी बिल्कुल लिटल अंडरस्टैंडिंग होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में। उसको कैलकुलेट करना आता है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रिग्रेशन को रन करना और कुछ और उसने फॉर्मूलाज जो है उसने याद किए होते हैं या वो ड्राइव करना उसको पता है, बट उसको उसकी बेसिक एसेंस क्या है, उसके पीछे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसकी उसको कोई समझ नहीं होती, जिसकी वजह से वो मेनली फोकस करता है जस्ट मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे और वो अपने अच्छे ग्रेड्स ले जाता है, लेकिन वो बीटा है जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लोप कोएफिशिएंट है या और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये उसको बहुत क्लीनली जो है उसके सामने नहीं आता। तो बेसिकली वो इस वर्ल्ड को देखता है मैथमेटिकल लेंस के लिहाज से, नॉट फ्रॉम स्टेटिस्टिकल लेंस। और रियल वर्ल्ड को अगर देखना होगा तो आपको स्टेटिस्टिकल लेंस यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज पीटर कैनेडी सेइंग। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हम कैसे ज्यादा बेहतर तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें जो ये वाली वीडियो है इसमें जस्ट मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरह से कैसे पढ़ाया जा सकता है, और अगले वाली वीडियो में मैं एक्सेल के थ्रू मोंटे कार्लो सिमुलेशन करके वो कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा और आर के थ्रू भी। तो बेसिकली आपके पास जो है वो एस्टिमेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सारी चीजें बेस्ड हैं ऑन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, लेकिन हम मेनली फोकस कर रहे होते हैं ड्राइविंग फॉर्मूलाज, बीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा, ऑल मैथमेटिकल डेरिवेशंस आर गोइंग ऑन एंड स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मास्टर दोज मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड दे गेट वेरी गुड ग्रेड्स, दे थिंक दे आर वेरी गुड इन इकोनोमेट्रिक्स बट दे लैक द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इवन मोस्ट ऑफ अस, हम जो इंस्ट्रक्टर्स हैं हम जो टीचर्स हैं वी ऑल्सो आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो ये आप एग्जैक्टली मैंने पीटर कैनेडी से हमने ये मैंने जो है वो इमेज जो है बारो किया कि आपके पास बेटा स्टेरिक है बेटा डबल स्टेरिक है, विच वन इज गुड विच वन इज बैड, तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं एंड देन यू ट्राई टू शो कि जी आपके पास बेटा स्टेरिक जो है अनबायस्ड है, ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर की डेरिवेशंस वगैरह स्टूडेंट्स को आइडिया है बट दे डोंट नो कि अनबायसनेस इन प्रैक्टिस है क्या, इन प्रैक्टिस उसकी कोई यूटिलिटी है भी या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बेस्ट है उसका वेरियंस किस में से, क्या मतलब है कि उसको वो जो है बेस्ट है। तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है, स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है। तो ये आपके पास जो है कैसे हम इन चीजों को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो इस चीज को हम इस वीडियो में और इससे अगली वीडियो जिसमें हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इनको समझने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट आप जरूर देखिए कि आपके पास जितनी भी स्टेटिस्टिक्स है, नॉट सिर्फ पैरामीटर एस्टिमेट, सिर्फ बीटा हैट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एफ की भी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास टी की भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि हमें देखना है कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स कैसे उसको समझ सकते हैं। तो आप गारफील्ड एंड एंड्रियो का जो रिसर्च है वो शो करती है कि स्टूडेंट्स हैव नॉट मच अंडरस्टैंडिंग। पीटर कैनेडी के बकौल ये है कि उसने खुद भी जब जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बार बार सर्वे करता रहा तो ही गॉट के जी दे हैव वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट्स जो है वो ए ग्रेड्स लेते हैं बाई गुड मैकेनिकल एबिलिटी बट विदाउट मच अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रेसिव एबिलिटी टू ड्राइव स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज बट लिटल अंडरस्टैंडिंग। देर आर थ्री मेन रीजन्स कि ये कॉन्सेप्ट क्यों जो है वो उनको बेहतर तरह से नहीं पता, उनको एक बढ़िया तरीके से हम क्यों नहीं बता पा रहे। पहली बात कि जी मैंने तो यहां अपनी क्लासेस में ये देखा है कि इवन स्टूडेंट्स को सैंपल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दे थिंक
डेटा को प्लॉट करेंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरह की हो जाएगी या यूनिफॉर्म हो जाएगी। भाई आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डेटा में आपको जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फ्रीक्वेंसीज ऑन वर्टिकल एक्सिस और जो आपके पास जो डेटा की जो रेंजेस हैं वो ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसकी शेप देखनी है। व्हाट टू टॉक अबाउट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो तो एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, तो इसलिए उसको समझाने की जरूरत है। दूसरी, हम मैक्सिमम फोकस करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या सम की डिस्ट्रीब्यूशन पे, स्लोप कोएफिशिएंट्स वगैरह की हम बहुत कम बात करते हैं, तो ये एक दूसरी रीजन है जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तीसरी जो मेन रीजन है वो ये है कि आपके पास जो है वो जो हुबर्ड का है, वी गेट व्हाट वी असेस एंड इफ वी डोंट असेस इट वी डोंट गेट इट। स्टूडेंट्स जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, मैं अगर स्टूडेंट हूं तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू गेट ए ग्रेड, तो वो दे गेट टिपिकल हाई ग्रेड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई डू दे नीड टू बॉदर अबाउट दैट। तो आप हमें स्टूडेंट्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों जरूरी है, कैसे ये रोल प्ले करता है। तो यहां पे एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड है, आप इसको जरूर देखिएगा। मैं इसको एक्सेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में रेप्लीकेट करूंगा एग्जैक्टली एज इट इज। तो यहां पे हमने 50 वैल्यूज ऑफ एक्स ड्रॉ की हैं बिटवीन 3 एंड 12 यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स, 50 वैल्यूज ऑफ जी फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 50 डब्ल्यू वैल्यूज हमने जनरेट की हैं, 50 ई वैल्यूज जनरेट की हैं, 50 वाई वैल्यूज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू 5 डब्ल्यू 5 ई। अब आपने वाई को एक्स पे रिग्रेस किया है, डब्ल्यू इसमें से छोड़ दिया, तो जो स्लोप कोएफिशिएंट है वो बी कह दिया। आपने वाई को एक्स और डब्ल्यू दोनों पे रिग्रेस किया और आपने उस स्लोप कोएफिशिएंट को बी बी कह दिया, तो ये एक दफा रिपीट किया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, 1000 टाइम्स आपने रिपीट किया, 1000 बी वैल्यूज आ गई, 1000 बी बी वैल्यूज आ गई। तो बी की वैल्यू आप किसके अराउंड गेस करते हैं, क्योंकि आपने यहां वाई को रिग्रेस किया, एक्स पे डब्ल्यू आपने इग्नोर कर दिया था। जब आपने दूसरी दफा आपने वाई को एक्स और डब्ल्यू दोनों पे रिग्रेस किया है, तो पहली दफा ये थ्री जो है ये वैल्यू आप किसके करीब गेस करते हैं जब डब्ल्यू नहीं था, और जब डब्ल्यू इंक्लूड कर लिया तो इस वैल्यू को किसके करीब गेस करते हैं। फिर आपने इन दोनों का वेरियंस निकालना है और आपने ये बताना है कि किसका वेरियंस आपको पहले वाले बी का जीरो के करीब आप अस्यूम कर रहे हैं या कि बी बी का वेरियंस जीरो के करीब अस्यूम कर रहे हैं। तो आप पहले ये सोचिए, जब आप इसको करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि W को पहले केस में ओमिट किया था उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जब हमने W को शामिल किया तो फिर जो है वो X का कोएफिशिएंट क्या आया, जब ओमिट किया था तो X का कोएफिशिएंट क्या आया, जब W को इंक्लूड किया तो X का कोएफिशिएंट क्या आया। तो यहां पे ओमिटेड वेरिएबल बायस का कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अब बी 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 अब थाउजेंड थाउजेंड वैल्यूज की हैं, तो ये स्लोप कोएफिशिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाइएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से बनती हैं और किस में स्प्रेड जो है अराउंड जीरो होगी, किस में स्प्रेड जो है वो ज्यादा होगी। तो ये जब तक हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे उसको ये नहीं आइडिया होता कि दिस इज गोइंग ऑन। तो जब आप स्टूडेंट्स को ये कहें कि जी मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के थ्रू आपने ये करना है, तो ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से वेरी नेचुरल होंगे कि पहला कि जी आप जो है वो उनको ये देखना है कि छोटा सा भी जो आपने एरर अगर मेक कर दिया या थोड़ा सा उनकी जो है वो आइडिया में क्लैरिटी नहीं थी तो बेसिकली इट लीड्स टू पुअर रिजल्ट्स। देन ये आपके पास इस डीजीपी को डेटा जनरेटिंग प्रोसेस को सिमुलेट करना अपने तौर पे चैलेंजिंग होगा आर में, एक्सेल में, स्टेटा में या किसी और सॉफ्टवेयर में। तो ये आपको स्टूडेंट्स को बहुत स्टेप बाय स्टेप क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट हमें करना है कि जी हम कैसे जो है ये मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैरी कर रहे हैं, और इसमें आपको काफी एफर्ट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को के साथ बैठ के उनकी जो है वो ये थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो एडवांस्ड एस्टिमेशन टेस्टिंग टेक्निक्स डू नॉट मीन मच टू स्टूडेंट्स, अगर उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो बेसिकली आप जितनी जीचे उनको मैथमेटिकल डेरिवेशंस ज्यादा अच्छे वाली करवाते जाए, नथिंग विल हैपन। तो ये सारी की सारी चीज को मैंने
जो है वो पुट अप कर दिया है। ये अगर आप आर पब जाहिद असगर पे जाएंगे तो ये जितनी भी स्लाइड है ये पूरी की पूरी जो मैंने आर में ही बनाई है, तो आप इसको जो है वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इससे अगले वाली वीडियो में मैं इसको इन प्रैक्टिस रेप्लीकेट करने जा रहा हूं यूजिंग एक्सेल।